नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इनसाइड न्यूज अपडेट और मैं हूं साहिल मोटन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि पिछले 24 घंटों में भारत में अपने कोविड 19 टैली में 16,311 नए मामले जोड़े, 19,299 अधिक डिस्चार्ज के साथ वसूली 1,92,909 तक पहुँच गई। तहसील कम्प्लेक्स ब्रिज मंडी के पास लगभग 10 कौवे और कबूतर मृत पाए गए। पशुपालन के कुछ अधिकारी मौके पर पहुंचे और टीम ने जांच शुरू की और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को जानकारी दी। अनार इंडिया ने जम्मू शॉपिंग फेस्टिवल का शुभारंभ 9 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक होगा। मिस बाग स्त्री जम्बाल सह संस्थापक अनुसार इंडिया ने और टीम के साथ आज मीडिया कर्मियों से बातचीत की। साइमा उबेद कश्मीर से राज्य पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता जीतने वाली पहली महिला बनी। साइमा ने कहा कि वह अपने पति का शुक्रिया अदा करती हैं जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया कि उन्हें इस चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने जहां जीएस को बताया कि श्रीनगर में पिछली रात 0 से 2.6 डिग्री सेल्सियस नीचे 0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली, यूपी, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र सहित भारत के 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई। उत्तर कश्मीर के बांदीपुरा जिले के आजाद क्षेत्र में सोमवार सुबह एक 50 वर्षीय निजी स्कूल के शिक्षक की उनके ही घर में हार्ट अटैक से मौत हो गई। सर्दियों में अस्वस्थ बर्फीली सड़कों पर ट्रैफिक गंदगी का कारण बनता है। ट्रैफिक जाम में फंसी एम्बुलेंस और अन्य गाड़ियां और प्रशासन आम लोगों को परेशान होने से बचाने में लगातार नाकाम रह रहा है। ब्लॉक सुचेतगढ़ की पंचायत सतवली के पंचायत प्रतिनिधियों ने आज पंचायत के दौरे पर पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार बशीर अहमद खान को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा और मांग करते हुए कहा कि पंचायत में रुके पड़े विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। मीरा साहिब कांग्रेस पार्टी द्वारा आज क्षेत्र के गाँव पुलिया में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए विचार विमर्श किया गया। ये थी आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां। आप इस तरह देखते हैं इनसाइड न्यूज अपडेट। तब तक के लिए नमस्कार।